कक्षा दसवीं त्रैमासिक परीक्षा विज्ञान का असली पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का हल आपको मैं बताऊंगा। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए क्योंकि इस लाइव क्लास में हम आप लोगों को पूरा त्रैमासिक परीक्षा का जो सुबह का पेपर है वो पूरा का पूरा हल सहित बता रहे हैं। ये पूरा किताब पर आधारित पेपर हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। प्यारे बच्चों, इसमें डायाप्टर आप बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बढ़िया तरीके से। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो इसमें आकाश के जो नीला रंग है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, इसके कारण आकाश का नीला रंग होता है, ये आप उत्तर में बता देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है लाल। आयोडीन किस हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखो, आप सभी आयोडीन नमक खाते हो, हमें अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट उत्तर के रूप में आपको बता देना है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आयोडीन याद रखना बिल्कुल बेस्ट तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? देखो, विद्युत धारा का जो मात्रक है ये आपकी परीक्षा में कल सुबह देखने को मिल सकता है, एम्पियर आप इसके उत्तर में बताना है। एम्पियर करेक्ट उत्तर हो जाएगा और यहाँ पर आपको बढ़िया पढ़ना है। एक बात आप मेरी ध्यान से सुनेंगे, मेंस एजुकेशन दोस्तों, ये हमारा मेंस एजुकेशन जो है ये ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आप लोगों के लिए हमने कोर्स अपलोड कर दिया है, बिल्कुल कोर्स को अपलोड आपके लिए ही करा है। तो ऑफ़र हमने चला रखा है 95% ऑफ है, किसी में 65% ऑफ है, किसी में 50% ऑफ है। तो जल्दी से आप जाइए और जो भी आपको लगे, जैसा भी आपको कोर्स लगे आप खरीद सकते हैं, जिसमें अगर आप टेस्ट के तौर पर खरीदना चाहते हैं तो 49 रुपीस वाला जो कक्षा दसवीं का कोर्स है उसको आप परचेस कर लेना, ठीक है। मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और गूगल क्रोम पर भी मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के प्रतिपादक थे। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसके नियम के जो प्रतिपादक थे वो फैराडे थे। इसमें आपको फैराडे करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों का रिक्त स्थान भरी वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। सभी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर यू गाइस, आपको सभी क्वेश्चन हल करने रहेंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है वो कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है? तो इसके उत्तर में आपको क्या बताना रहेगा? तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होंगी, ऊष्माक्षेपी, ऐसे आप उत्तर में बताएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, किसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है, इसमें आपको लिखना है पारितंत्र। जो पारितंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक ही दिशा में होता है, मतलब एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है। इसके बाद में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो बच्चों, इसमें आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र मैं लिख देता हूँ, CaOCl2, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श का हो जाएगा अनंत, अनंत होता है, आपको सबको याद रखना है। सभी जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, धातु सामान्य ताप पर तरल होती है। तो दोस्तों, इसमें आपको पारा जो है ना, पारा जिसको मरकरी के रूप में भी जाना जाता है, ये सामान्य ताप पर तरल होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होती है। एसिटिलीन आपको बताना है, एसिटिलीन बंद होता है, तो ये त्रिबंध होता है, एसिटिलीन त्रिबंध विल भी करेक्ट आंसर। दोस्तों बिल्कुल आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कंप्लीट कर लेना होगा। अब इसमें आपकी सही जोड़ी आ चुकी है। देखिए, निकट दृष्टि दोष, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अवतल लेंस आप उत्तर में बता देंगे, ठीक है। अवतल लेंस आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा और बिल्कुल आप सही अवतल लेंस को करेंगे। मेंडल जो है, मेंडल का प्रयोग, तो मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल, इसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था।
एड्रिनल, तो ये एड्रिनल जो है इसके आगे आपको क्या बताना है, इसके आगे एड्रिनेलिन बताना है, ये हार्मोन आपकी दृष्टि में रहेगा। दूरदृष्टि दोष, तो इसके लिए आपको उत्तल लेंस का यूज़ करना रहेगा, ठीक है। और संगमरमर, यहाँ संगमरमर जो है इसके आगे आपको क्या लिखना है, तो दोस्तों संगमरमर के आगे आप लोगों को CaCO3 लिख देना रहेगा, ये आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वोल्ट, ठीक है, वोल्ट आप उत्तर में लिख देना, वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ी आपकी मैंने बता दी है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको जो प्रश्न बताने वाला हूँ, ये एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हैं, ये आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिएगा पहला प्रश्न, इसमें जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं वे अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो वो रेगडोस अभिक्रिया कहलाती है। इसके अलावा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसको मिश्र धातु कहते हैं। यकृत से निकलने वाले रस का नाम पित्तरस है। और वृद्धि हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है, तो पीयूष ग्रंथि से होता है। एकल से संयोजी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम लिखिए, तो एक्स और वाई, ये पुरुष लिंग गुणसूत्र है, आपको ऐसा उत्तर के रूप में बताना है। बाकी आप मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको वहाँ पर पढ़ाया है दोस्तों, बिल्कुल बेस्ट तरीके से। और वहाँ पर हमने आपके लिए फीस भी सबसे कम रखी है, और नोट्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे सभी प्रकार के, और वो भी बिल्कुल नए और बेस्ट फॉर्म में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐप को आप डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।